अमित शाह नरभक्षी जो है भाजपा का जो अध्यक्ष है ये बिल्कुल पागल हो गया है। कल उसने सिवान में जाके भाषण किया अमित शाह ने कि यहाँ जो गठबंधन जीतेगा हम लोग का गठबंधन तो पाकिस्तान में पड़ाका बजेगा, साहबुद्दीन जेल में खुश होगा। ये पूरे बिहारी लोगों को इसने अपमानित किया है और इस सब बिहारी लोगों, सब हिंदू हो या मुसलमान, सबको दलित हो मादलित, सबको पाकिस्तानी करार दिया है आदमी। ये बिल्कुल ड्रिल हो गया है सब, बिल्कुल एकदम बिलो बेल्ट। और वही नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन में आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भेजे हैं मनोज झा जी को, 11 बजे टाइम मिला है, इनों पर कार्रवाई हो, अब प्रतिबंध लगाया जाए भाजपा पर, आदेश पर। वही नहीं, ये यहाँ पर जो विज्ञापन निकला है आप देखे होंगे, आप लोग दैनिक जागरण से लेकर सारे अखबारों में कल का, वो भी बिल्कुल आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक, निराशा हताशा का परिचायक है। ये फिर सोसाइटी में कम्युनल बात और हमारी सद्भावना को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन बिहार की जनता इन लोगों को धूल चटा दिया है हम लोगों ने। वो सब उसमें उसी बात को ना, सब प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तुरंत सिन्हा के सवाल पे ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं भाजपा वाले पूरी। वो हर चीज पर हम पूछा, अमित शाह तुम कौन जात का हो, तुम अपना जाति बताओ अमित शाह, और कौन धर्म तुम मानता है अमित शाह, तुम बताओ तुम कौन जात है और तुम किस धर्म को मानते हो, जैन को या हिंदू धर्म को, ये तुम बताओ, बताना पड़ेगा तुमको।